हेलो फ्रेंड्स, आज हम गियर के दांतों का ड्राइंग बनाएंगे। इसके लिए आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, दांतों की संख्या n बराबर 18, वृत्त पिच आपका CP दिया है 25 mm, दाब कोण आपका दिया है 20 अंश। सॉल्व करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले PCD निकालेंगे, पिच सर्किल डाया। इसके लिए फॉर्मूला होता है CP इंटू एन अपान पाई। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, CP आपका दिया है 25 mm, लिखेंगे 25 इंटू एन आपका दिया है 18, 18 अपान पाई। सॉल्व करेंगे इसे, आपका आएगा 143.23। ठीक है, उसके बाद से निकालेंगे एडंडम। एडंडम के लिए फॉर्मूला होता है CP अपान पाई। CP आपका दिया है 25 अपान पाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 7.95। ठीक है, उसके बाद से निकालेंगे एडंडम सर्किल डाया। इसके लिए फॉर्मूला होता है PCD प्लस 2 इंटू एडंडम। आपका एडंडम आया है 7.95, तो PCD आपका है 143.23। आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 143 प्लस 2 इंटू एडंडम आपका है 7.95। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 159। ठीक है, क्लियरेंस निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है CP अपान 20। CP आपका है 25 अपान 20, आपका आ जाएगा 1.25। डिडंडम निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एडंडम प्लस क्लियरेंस। आपका एडंडम आया है 7.95 प्लस क्लियरेंस आपका आया है 1.25, आपका आ जाएगा 9.25। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे डिडंडम सर्किल डाया। इसके लिए फॉर्मूला होता है PCD माइनस 2 इंटू डिडंडम। आपका PCD है 143 फिर माइनस 2 इंटू डिडंडम 9.25। ठीक है, आपका आएगा 124.5। उसके बाद निकालेंगे टीथ थिकनेस। इसके लिए फॉर्मूला होता है CP अपान 2। आपका CP है 25 अपान 2, आपका हो जाएगा 12.5। सॉल्व कर लिया आप, इस इतना तो आपको सॉल्व करना। उसके बाद से स्केल की सहायता से आप सेंटर लाइन खींचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सेंटर लाइन खींच लिया। अब आपका PCD पिच सर्किल डाया आपका आया था 143, प्रकार में 143 का हाफ 71 भरेंगे। ठीक है, 71 एक केंद्र, यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्किल। ठीक है, जब हमने PCD का सर्किल, हाफ सर्किल जो ड्रॉ किया है, उस पर अब एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ से केंद्र मानकर प्रकार की चांदे की सहायता से 20 अंश का कोण लेंगे। ठीक है, इसे नीचे तक मिला देंगे। ठीक है,
इसका नाम दे देंगे, इसका नाम पी क्यू, इसका नाम ए बी, ये आपका वाई अच्छा है, ये एक्स अच्छा है, है। अब यहाँ पे केंद्र मानकर चांदी की सहायता से ये आपका यहाँ पे केंद्र हुआ, और यहाँ से इधर से देखिए 20 अंश का कोण लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 20 अंश का कोण लेंगे और PCD से मिला देंगे। ठीक है, जो ये यहाँ पे काट रहा है AB को, जो ये रेखा काट रहा है, जो अभी हमने एंगल वेसेंस कर लिया, ये आपका यहाँ से बेस सर्किल ड्रॉ होगा, जो आपका ये निकल, ये जो देखिए यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, इस सर्किल को बोलेंगे बेस सर्किल। और आपका जो एडंडम सर्किल आया है 159 आया है, 159 का हाफ करेंगे 79 आएगा, 79 का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से आपका है डिडंडम सर्किल डाया, डिडंडम सर्किल डाया आपका है 124 आपका है, डिडंडम सर्किल डाया आप देख सकते हैं, डिडंडम सर्किल डाया 124 आपका है, इसका हाफ करेंगे 62 हो जाएगा, 62 का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, स्केल की सहायता से आप प्रकार में भर लेंगे, 62, 62 का सर्किल एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पे हम नाम लिख दे रहे हैं सर्किल का, ये आपका है एडंडम सर्किल डाया, आपका है पीच सर्किल डाया, ये आपका है बेस सर्किल डाया, और ये आपका है डिडंडम सर्किल डाया। ठीक है, आपका है टीथ थिकनेस आपका है 12.5, आप इसमें भरेंगे 12.5, ठीक है, 10, 11, 12। ट्वेल्व पॉइंट फाइव इसमें भर के यहाँ पे प्रकार PCD पी सर्किल डाया पे आप चाप काटेंगे। ठीक है, ऐसे आप चाप काट लेंगे। उसके बाद जो आप चाप काटे हैं PCD पर, एक यहाँ पे प्रकार और बीच वाला जो जो चाप है, इसे छोड़कर यहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रकार में भरेंगे। ठीक है, ठीक है, और एडंडम एडंडम सर्किल डाया से बेस सर्किल तक इसे दांत को बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे के गैपिंग करके ऐसे ही मिला देंगे। ठीक है, एडंडम सर्किल से बेस सर्किल तक, ठीक है, ऐसे मिला लिया। फिर वैसे ही करेंगे, इधर से एक छोड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार, यहाँ बीच में एक छोड़ेंगे, फिर ये ऐसे मिला देंगे, वैसे ही एडंडम सर्किल से बेस पिच तक,
जो बेस पीछे हुआ है तक नीचे तक नहीं मिलाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में एक एक गैप छोड़ के पेंसिल की सहायता से इसे ऐसे मिला देंगे। आप देख दांत बन गया है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।